अच्छा जी, आज दो मैचेस हुए, लेकिन आज दो मैचेस में वर्ल्ड कप जारी है जी, चल रहा है हमारा, तो मैच हो गया, हम जीत गए, बड़ा अच्छा हमने खेला, मजा भी आया, लोगों के दिल में फिर से एक उम्मीद जगी कि शायद कुछ हो जाए। आज दो मैचेस हैं जी, न्यूजीलैंड और आयरलैंड का मैच हुआ, न्यूजीलैंड ये मैच जीत गया और आयरलैंड जो है उसने एक्चुअली बहुत बुरी परफॉर्मेंस नहीं दी, यू नो अब इतनी एक्सपेक्टेड थी, और उनके एक बॉलर ने आज लिटिल जो है जॉश लिटिल इसने एक हैट्रिक भी कर ली आज, और ये सेकंड आयरिश प्लेयर जिन्होंने हैट्रिक की है, कैम्फर ने की थी जी, बिल्कुल छठे प्लेयर है जिसने T20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक, वर्ल्ड कप छठे प्लेयर ने की है, अच्छा T20 वर्ल्ड कप तो इतने यंग उसमें, सुबह भी इस पे बात की, आई थिंक इट्स अमेजिंग अचीवमेंट वर्ल्ड कप में हैट्रिक करना, मतलब कल को जो भी होता है लेकिन ये एक ऐसी चीज है हमेशा उनके साथ रहेगी, एंड ही कैन ऑलवेज चेरिश दैट, आई थिंक सो, दैट इज आई थिंक इट्स वर्थ इट, ऐसे गेमों में ना लाजमी बात है कि मिलती भी है ना, आप टाइट गेंद करें आपको लेकिन तो मिलेगी, मगर वहां पर जहां टेस्ट क्रिकेट या इन जगहों पे जहां आप खुद खुला नो प्रेशर ऑन टू हिट और एनीथिंग, यहां तो आप एंड में वसीम और वकार ने कितनी दफा दो दो बॉलों में एंड में राइट हैट्रिक चांस, नहीं ये बात बड़ी वैलिड बात है एक्चुअली कि वर्ल्ड कप में और इस तरह के हाई एक्सपेक्टेशन मैचेस में ज़्यादा आसान है वर्ल्ड कप में या किसी बड़े मैच में हैट्रिक करना, जबकि टेस्ट में करना मुश्किल है, बिकॉज वहाँ पर तो बैट्समैन रोक रोक के तो आपको अजाब में डाल देता है। नहीं, मेरा मानना है कि टेस्ट में करना आसान है, रियली कैसे यहाँ करना मुश्किल है, देखें अगर आप नया बॉल कर रहे हैं तो आपको बॉलर्स जो हैं उनको मॉइस्चर मिलता है, सीम मिलता है और आपको विकेट से हेल्प मिलती है, तो जो T20 क्रिकेट है, वाइट बॉल क्रिकेट है, यहाँ बेसिकली फ्लैट पिचेस होते हैं, तो आप देखें बहुत कम हैट्रिक्स हुई हैं बनिस्बत टेस्ट मैच में, बहुत ज़्यादा हुई नहीं है।